चलो आज बात कर रहे हैं हम पोयम नंबर 13, वतन नो तलसाट। रमणीक अराल वाला एक बहुत ही बेहतरीन कवि है जो महात्मा गांधी के युग के समाज के अभिमुखता जाहिर करने वाले थे। एक बात होती है देश की, एक बात होती है समाज की, तो एक बात ऐसी भी होती है जो समाज को उसकी ज़रूरत पड़ती है, अगर उसके हिसाब से वो चीज़ उसको दिया जाए, उसके हिसाब से उसके बारे में सोचा जाए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हमें फ़ायदा होता है। तो कवि रमणीक अरालवाला का जन्म हुआ है खेड़ा जिला का खेड़ाल गांव के अंदर। 7th स्टैंडर्ड तक उसने पढ़ाई की छिपड़ी गांव के अंदर। इकोनॉमिक तरीके से, आर्थिक तरीके से काफ़ी वीक थे उसकी फैमिली, इसके कारण से अहमदाबाद की जुपिटर मिल्स में फैंसी जॉब के हिसाब से उसने काम किया। अंदाजित जन्म हुआ उसका 1910 में और 1944 के अंदर, यानी कि आफ्टर 34 ईयर्स उसने मैट्रिक कंप्लीट किया। उसके बाद स्नातक मतलब ग्रेजुएट हुए और लाइफ में पहली उसकी काव्य संग्रह आई थी 1941 में, नगीनावाड़ी 1941 ये उसकी दूसरी काव्य थी, रसपोड़ी 1945 में बच्चों के लिए कहानी थी, 1945 के अंदर सानी पनी रेखा चित्रों ये एक जो कहते हैं ऑटोबायोग्राफी वो उसने लिखा, 1946 के अंदर उसने साहस कथाएं लिखी और टॉल्स्टॉय की वार्ता का अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन दिया उसने साची वार्ता के हिसाब से। इस तरह से इसने अपने जीवन में हर एक चीज़ में, काव्य है या बाल काव्य है या रेखा चित्र ऑटोबायोग्राफी हो या ट्रांसलेशन हो या कहानी हो, हर चीज़ ने उसने अपना हाथ अजमाया। और रमणीक अराल वाला यहाँ पर हमें दे रहे हैं एक सोनेट। सोनेट में क्या होता है, 4+4+4 इज इक्वल टू हो जाते हैं 12। उसमें 4-4 के 3 गैप आ गए तो 12 हो गए, लास्ट के अंदर 2 होते हैं तो हो जाते हैं टोटल 14 लाइन्स। 14 लाइन्स में जो कविता लिखी जाती है, काव्य लिखा जाता है, उसको सोनेट कहते हैं। सोनेट में 100 के ऊपर जैसे डॉक्टर का डो लगता है उस तरह से 100 लगाया जाता है, जैसे सोनेट सोनेट है। और मंदाक्रांता छंद के अंदर ये लिखा गया है। उसमें स्टार्टिंग में आप देख सकते हो 2 लाइन है, उसके बाद 4 लाइन की इसने अगर हम पैर बना ली जाए तो लास्ट का 2 लाइन होती है वो हमेशा पोयम का मोरल होता है। तो यहाँ पर टॉपिक क्या लिया है हमारे रमणीक भाई ने, रमणीक भाई बताते हैं वतन नो तलसाट, वतन को प्राप्त करने की इच्छा है। कहते ना कि अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें फ्री मिल जाती है ना। गुलाब आप लो तो गुलाब के अंदर खुशबू है, कलर है, उसको आप उसके साथ थोड़ा आप शक्कर डाल दो तो गुलकंद भी बना सकते हो, मिठास वाली चीज़ भी है, पर उसके साथ कांटे फ्री मिले हैं, है ना। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, लाइक अगर आप बहुत ही अच्छा कोई मोगरा तोड़ने जाते हो तो उसके साथ जहरीला उसका दूध जो लिक्विड होता है वो फ्री मिलता है। तो अच्छी यादों के साथ थोड़ी बुरी यादें होती है। बचपन को याद करोगे तो उसके अंदर खेलना कूदना, मम्मी का प्यार, पढ़ाई, मित्र वो सब होंगे, पर साथ में जहाँ पर गिर गए होंगे, जहाँ से मित्र अलग हो गए होंगे, मम्मी ने जहाँ पर मारा होगा वो भी तो आपको साथ में मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ यादें आ रही है। यादें हैं कि लेखक जो है वो विदेश में है, दूसरी ज़मीन पे, दूसरी जगह पर है, वहाँ पर रहते रहते उसको अपना देश, अपना वतन, अपनी जगह, अपनी मातृभूमि याद आती है और वहाँ के वो सारी चीज़ें याद आती है जो उसकी यादों के अंदर समाई हुई है। पर साथ में एक गंदी याद भी आती है, वो ये याद है कि वो है जन्मभूमि के ऊपर उसकी मृत्यु हुई थी माँ की भी, और वो माँ की मृत्यु है वो साथ में विस्मृति के हिसाब से स्मृति हो रही है। तो यहाँ पर बताते हैं वतन ना तन वन खेतर कोतर नदी डूंगर कुओ पनिहारी लोगों का गीत स्मित ना विच्छेदी ने विछीना डंक जैसी वेदना यहाँ पर व्यक्त की है। स्नैक जो होता है सांप, अगर हमें डस ले तड़प के मर जाएंगे 5-10 मिनट में या आधे घंटे में, पर विंछी जो होता है स्कॉर्पियो वो हमें डंक देता है तो हमारी हर एक नब्ज में उसका एहसास होता है और हम तड़पते हैं, शॉक होते हैं बार बार, लाइक बिजली का झटका लग रहा है बारम्बार ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि हमारे मन के अंदर वो बचपन की वो सारी यादें आ रही है, पर साथ में विंछी का डंक जैसी कुछ खराब बातें भी याद आ रही है। कवि ने वरह वतन का जो विरह है वो कोरी खाता है, परेशान कर रहा है, उसका डंक उसके देह को और उसके आत्मा को पकड़ के बैठा है और वतन जाना चाहते हैं पर वो जा नहीं पा रहे हैं।
इस तरह से माँ से अलग हुआ बच्चा, जैसे धन से अलग हुआ बछड़ा वो जिस तरह से परेशान होता है, बस उसी तरह से लेखक अपने वतन से, अपने देश से दूर होने के बाद कुछ इस तरह से परेशान हो रहा है। कहते हैं कि अगर आपको भारत देखना है तो भारत में तीन चीज मशहूर है। पहला है भारत की खेती, दूसरी है भारत का त्यौहार, और खेती और त्यौहार अगर आपको देखना है तो भारत का गांव। भारत का गांव कुछ इस प्रकार से है कि गांव के बाहर के साइड में खुला सा पादर यानी खेतर होगा, वहां पर एक तालाब या नदी होगी, नदी के बाजू में एक बरगद का पेड़ होगा, बरगद के पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर होगा, उस बरगद के पेड़ के नीचे गाय जो जुगाली करी बैठी हुई है, बकरी आराम से शांति से ठंडा पवन ले रही है, जो भरवाड़ लोग हैं वहाँ पर बैठे बांसुरी बजा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस बरगद के पेड़ पे खेल रहे हैं, नीचे खेल रहे हैं, ऊपर के साइड में बरगद के पेड़ के ऊपर ध्वजा तो धीरे 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 करके फरफरा रही है, और वो निशान, वो संकेत है कि ये गांव है जहाँ से आप एंट्री कर रहे हो। वो गांव के अंदर कच्चे मकान होते हैं, कच्चे रास्ते होते हैं और सच्चे दिल वाले होते हैं, हरे भरे खेतर होते हैं। वो खेतर वो मन में ऐसे तड़प के आ रहा है लेखक में कि जैसे वो वापस से अपने देश, अपने गांव, अपने वतन में आ गए हैं। पर उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि उसी गांव के अंदर वहां पर उसकी माता की भी मृत्यु हुई थी, वो भी साथ में याद आ रहा है। लिखा है यहाँ पर कि गाड़ी लांबो समय दूर ना धोला पानी पी पी, मैंने बहुत ही लंबे समय से दूसरे देश का, दूसरी जगह का पानी पी पी कर मैंने अपने दुर्लभ ये सारे जो दिन है वो मैंने ऐसे बिता दिए। अब मुझे जाना है जावा हावा जन्म भूमि है प्राण पछाड़ा नाखे पछाड़ा। अब मेरे जो शरीर के अंदर जो प्राण है वो धम पछाड़ा, तूफान शैतानी कर रहा है कि चल जल्दी से उठ और जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ था वो जन्मभूमि पे जाके हम एंजॉय करेंगे, जाएंगे, देखेंगे वापस से वो हरियाली, वापस से वो खेतर, वापस से अपने लोग उसके बीच में रहेंगे। और साथ में क्या याद आता है कि कुएं कांठे कमर लड़ती पनिहारी रसाड़ा, कुएं के ऊपर जो पनिहारी, जो लड़कियां, जो औरतें, जो स्त्री है वो पतली कमर के साथ धीरे 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 करके माथे पे एक बेड़ा, उसके ऊपर एक गागर ऐसा रख के धीरे धीरे जो जाते हैं वो मीठा रसाड़ा पानी पियेंगे। क्षेत्र क्षेत्र मतलब खेतर खेतर पर अनिल लहरे, अनिल बोले तो पवन की लहर की के साथ जो अन्नपूर्णा है, जो हमारा अन्न को पूरा करते हैं, ऐसे खेडूत वहाँ पर दिखेंगे। कभी इधर भागेंगे ये सही करेंगे, कभी उधर भागेंगे वो सही करेंगे, लाइक जंगल के अंदर कैसा हरना जम मारते मारते घूमता है, उस तरह से खेतरों के अन्दर हमारा किसान, जो हमारे अन्न पूरा करने वाली माता अन्नपूर्णा है, वो आपको दिखाई देगी। क्षेत्र क्षेत्र अनिल लहरे डोलता अन्नपूर्णा। आगे लिखा है हिंडोड़ाता हरिंत त्रोण, इसे लहर किया धीरे 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 करके बह रही है, ऐसा लग रहा है बहती नहीं स्टडी वहाँ पर है, तो पवन के साथ हरित मतलब ग्रीनरी वाला, तृण बोले तो घास का तिनका, खंती लो खेड़ उतना मीठा गीतो गंभीर वडला शंभू नील जीर्ण देरु। वो वहाँ पर खेड़ दिखेगा, उसके साथ साथ मीठे लोकगीत आपको सुनने को मिलेंगे, गंभीर शांत से खड़ा बरगद का पेड़ जिसको हम वड़ दादा कहते हैं वो मिलेगा, उसके नीचे तो शंकर भगवान का छोटा सा टूटा फूटा हुआ देरू यानी कि मंदिर दिखाई देगा। वागोड़ा ता धन, वागोड़ा मतलब जुगाली करने वाले गाय होती है, वो पहले फटाफट खाना खा लेती है मतलब ग्रास, और फिर शांति से बैठ के वो जुगाली करती है, तो वागोड़ने वाला जो धन है, गायों का पूरा ग्रुप को धन कहते हैं, उस बरगद के पेड़ के नीचे दिखाई देंगे। उड़ी रही हो वावटो व्योम गेरू, वो जो वाउट बोले तो ऊपर का जो फ्लैग है वो व्योम मतलब आसमान के अंदर गेरुआ रंग का सेफ्रोन या मिट्टी के रंग का वो आपको उस बरगद के पेड़ के ऊपर दिखाई देगा। आछी आछी थती भगीनी लंगोटिया बाल भेरू, वहाँ पर हमें अपनी बहन के साथ खेलना कूदना वो याद आते हैं, और लंगोटियो मित्र वो भाई बंध वो दोस्तार भी याद आते हैं। जंखी निंद्रा मही जबकतो, और विदेश में ये जब सारी चीज़ें मुझे याद आती है जिसकी मैं क्यूरियोसिटी के साथ इंतज़ार में करता हूँ, उसकी मुझे झंकना है, प्राप्त करने की इच्छा है, तो नींद में भी अचानक से मैं झबक के जाग जाता हूँ। जाग गया आनंद ली तो नींद ले तो घेला हैया सहुए मर्शे किंतु कालाग्नि माथी। इस तरह से कहता है कि वतन में जाएगा शायद तुझे सब मिलेगा, वो बरगद का पेड़ भी शायद मिलेगा, तालाब भी मिलेगा, मित्र बहन सब मिल जाएगा, परंतु जो काल की अग्नि के अंदर मतलब श्मशान घाट के अंदर लकड़ियों के अंदर जो हमारी डेड बॉडी जला रहते हैं उसको कहते हैं कालाग्नि।
वो जो कालाग्नि माँ थी, संभारेलु स्मृति सुवन्नु सारवेला परागे, वो जो स्मृति है, वो याद है, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। के सींचायलु अब निरखो मोढ़ू क्या मावड़ीनु, वो माँ का मुँह वो तुम्हें कहीं नहीं दिखाई देगा। जो आँखों से तरसती है कि मेरा बेटा आएगा, पैसा लाएगा, साथ में अपना शरीर भी लाएगा, है ना, तो वो पैसों से नहीं उतना तुम्हें प्यार करती थी, वो आँख है, वो माँ है, उसकी याद है, वो तुम्हें इंतज़ार कर रही है। वाली तो ये जननी रही था, मुझे जन्मभूमि बहुत अच्छी लगती है, पर जननी रही था, मेरी माता के बिना की वो जन्मभूमि है। न तोषे जंखु जीवी जंखु जननी सहिता जन्मभूमि विदेश, इस तरह से विदेश के अंदर वो जन्मभूमि को तो जाने का मन करता है, पर थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है कि वो जननी माता के बिना की वो जन्मभूमि है, वहाँ पर मैं आखिरकार जाऊँगा तो क्या लेके जाऊँगा और क्यों जाऊँगा। तो ये खूबसूरत सी पोएम है जिसका नाम है वतन्नु तलसाट। देखो कोई डाउट है तो पूछो।